जूनियर अमिताभ के नाम से मशहूर एक्टर फिरोज खान इस दुनिया में नहीं रहे हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई वो अपने गांव बदायूं में थे और वहीं पर उनकी डेथ हुई अब फिरोज खान के एक को एक्टर ने बताया कि आखिर फिरोज खान पिछले कुछ समय से एक्टिंग क्यों छोड़ चुके थे क्यों बदाये शिफ्ट हुए थे और उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि आसिफ शेख है आसिफ शेख जो भाभी जी घर पर है में फिरोज ख़ान के साथ काम कर चुके हैं इस दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हुई आसिफ शेख ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि फिरोज ख़ान की डेथ से वो बहुत टूट गए हैं और इस बात से और ज़्यादा उन्हें दुख हो रहा है कि उनकी डेथ से तीन चार दिन पहले फ़िरोज ख़ान ने उन्हें कॉल किया था आसिफ शेख अप अपने शॉट में थे इसीलिए वो फिरोज खान का कॉल उठा नहीं पाए और उसके बाद आसिफ शेख को अर्जेंट काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा इसीलिए वो वापस फिरोज खान को कॉल नहीं कर पाए आसिफ ने बताया कि वो एक अच्छे वक्त पर समय लेकर फिरोज खान से बात करना चाहते थे क्योंकि उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें सुनी थी आसिफ शेख ने कहा कि पिछले कुछ समय से फिरोज खान शूटिंग नहीं कर रहे थे उन्होंने जब डायरेक्टर से पूछा कि फिरोज खान शूटिंग पर क्यों नहीं आ रहे हैं तो डायरेक्टर ने कहा कि फिरोज खान शूटिंग पर नहीं आना चाहते हैं उन्होंने कहा है कि वो शूटिंग छोड़ चुके हैं वो अब फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं और वो अपने गांव बदायूं शिफ्ट हो गए हैं आसिफ शेख ने ये भी बताया कि फिरोज खान के एक फ्रेंड उनसे मिलने आए थे उस दोस्त ने बताया कि फिरोज खान की जिंदगी में काफी दिक्कतें चल रही है पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ है और इसीलिए फिरोज खान अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बदायूं शिफ्ट हुए हैं फिरोज खान को ब्लड प्रेशर था और पर्सनल प्रॉब्लम्स थी इन दोनों चीज़ों की वजह से वो परेशान चल रहे थे सत्ताईस साल तक फिरोज खान ने इंडस्ट्री में काम किया इस दौरान कई बड़े एक्टर्स की मिमिक्री वो किया करते थे और अमिताभ के रोल में काफ़ी जमते थे जूनियर अमिताभ के नाम से वो फेमस थे और इसी नाम से कई इवेंट्स भी किया करते थे जहाँ से उनकी कमाई हो जाया करती थी हालाँकि फिल्म इंडस्ट्री से पिछले कुछ समय से दूर थे और आज जब फिरोज खान की डेथ हुई है तो को एक्टर्स बेहद दुख में हैं उनके जाने से